आपका स्वागत है हमारे शहर में, आई मीन शिमला में। सो गाइज, मॉर्निंग हो चुकी है हमारे। रात को आपको दिखाया था कि हम गए थे माल रोड, हम घूमे थे, बहुत मज़ा आया था। थोड़ा सा मेरा मेकअप रह रहा है तो मैं वो कर रही हूँ। और यश अभी नहा रहे हैं एरिक है कैमरे के पीछे। तो आज हम जा रहे हैं, अरे नाम क्या था उसका, वो तत्ता पानी सुनी नहीं रहा राक्षस। तो आज हम जा रहे हैं राफ्टिंग के लिए, क्योंकि राफ्टिंग है ना यार, आप लोगों के लिए छोटी सी चीज़ होगी, मेरे लिए ना जिंदगी भर, मतलब हमेशा मैंने सोचा था कभी मैं राफ्टिंग करूँगी। तो आज हम राफ्टिंग के लिए जा रहे हैं, हमारी बुकिंग हो चुकी है। तो यहाँ पूरा जो कैप्चर है, हम कैप्चर करेंगे जितना सारा व्यू है यहाँ से लेकर राफ्टिंग तक का। और उनका ड्रीम है यश चौधरी का पैराग्लाइडिंग, तो हम लोग आज जा रहे हैं और खूब इन्जॉय करने वाले हैं, मज़ा आने वाला है। आप लोगों को भी दिखाएंगे वीडियो में, वीडियो को आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। और अब आपको बैक साइड दिखा देते हैं, ज़रा बैक साइड दिखा देना हमारे रूम का, जो साइड व्यू है कितना ज्यादा सेक्सी लग रहा है यार। जैसे आप देख ही सकते हो, हमने रूम इसीलिए ऐसा ही लिया था कि समझ रहे हो कि मजा आ रहा है देख के। सो गाइज, आपको मिलते हैं हम लोग जल्दी यहां से निकलने के बाद, और आपको हर चीज दिखाएंगे, सब चीजें कैप्चर करेंगे। तो लव यू और प्यार बनाए रखो यार। ऐसे कार्ड लेते हो? सर, आप हर किसी से ऐसे ही बात करते हैं क्या? मैंने कोई उल्टी बात नहीं की। नहीं, आपने आपकी जो टोन थी बात करने की, पेमेंट देता हूँ फिर सर से बात करेंगे। कोई बात नहीं, पेमेंट तो आप दे दो। मैं तो इनसे एक नॉर्मल बातचीत करना चाहती हूँ कि यार हर हर लेडी से, हर लड़की से ऐसी बातचीत करते हैं क्या? 1, 2, 3, 4, 5 इसी टोन में बात करते हैं? मैंने कोई गाली नहीं। नहीं गाइस, हम लोग हैं होटल शिमला ऑकलैंड। ऑकलैंड है, माल रोड पे पड़ता है, ठीक है। मैं यहाँ पे नीचे आई तो उन्होंने बोला कि बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा था। तो अब क्या है कि इन्होंने मुझसे बहुत बदतमीजी से बात करी। इन्होंने मुझे ये बोला है कि आपके रूम में रात को बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा था, आप चेकआउट कर दो। ये जो मैं बात कर रही हूँ ना, मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता नहीं पाती। काश मेरे पास उस वक्त कैमरा लगा होता। जो इनकी टोन थी, जो इनकी वर्डिंग थी, बहुत ही वाहियात और खराब थी। होटल का नाम है ऑकलैंड। इनको जेंट्स से तो छोड़ो, इनको लेडी से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है, ठीक है। रोशन नाम है इनका, एक बार मास्क नीचे कर लेना। मास्क नीचे करके दिखा दीजिए। रोशन है इनका नाम, आप देख सकते हो कैमरा कैप्चर। मुझे ये समझ में नहीं आता, रिसेप्शन पे बैठ के एज एन मैनेजर आपको अपने कस्टमर से बातचीत करनी नहीं आती, आप कैसे ट्रीट कर रहे हो आपको नहीं पता है। हमें तो अपनी जॉब में ये सिखाया जाता था कि जो कस्टमर होते हैं यार वो हमारे भगवान होते हैं, और इनके लिए देखिए हम क्या है, कुछ भी नहीं। मुझे लगता है आप हर किसी को ना ऐसे हल्के में ले लेते हो। तो रिस्पेक्ट करना सीखो, जो आपके कस्टमर यहाँ पे होटल में आ रहे हैं ना, चेक इन कर रहे हैं, है ना, उनकी इज्जत करना सीखो। ये होटल है, इसका नाम है ये होटल ऑकलैंड। आप लोग लाइव विजिट करना चाहो या लाइव विजिट करके रोशन भाई से जितनी चाहे बातचीत करना चाहो या जो फीडबैक इन्हें देना चाहो वो आप दे सकते हो। लेकिन मैं बता देता हूँ भाइयों, आपसे दिल से रिक्वेस्ट है इस होटल में मत आना, क्योंकि यहाँ पे लेडीज बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि ये इनकी लैंग्वेज से पता लग सकता है, जो बिल्कुल अभी थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठे हुए हैं। लेकिन हो सकता है रिट्स को अगर गुस्सा आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बदतमीजी करी। मैंने तो आज तक बदतमीजी करी नहीं यार किसी से, लेकिन मुझसे बदतमीजी से बात की गई है ना, इसलिए मैंने कैमरा लगाया। आप ये मत समझना हम अपने फेम का नजायज फायदा उठा रहे हैं, गलत फायदा उठा रहे हैं। मैं सिर्फ एक जेन्युइन चीज दिखा रहा हूं, अवेयर कर रहे हैं कि इस होटल में शिमला में होटल ऑकलैंड नाम का ये होटल है। एक बार रिव्यू ले लेना इसका बाहर से पोस्टर वगैरह। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस होटल में गलती से भी ना आए। मैं इसका जो पूरा एड्रेस है प्रॉपर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फैसिलिटीज का तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन इनका जो बिहेवियर है वो अपने कस्टमर के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप ध्यान रखें, इनका नाम रोशन है। मैं इनकी वीडियो, इनका जो फोटो है वो अलग से लगा दूंगा, कि अगर ये मैनेजर इस यहाँ पे बैठे हुए हो तो प्लीज गलती से भी आप चेक इन या चेकआउट करने का कुछ भी ना सोचे, मतलब एंट्री ही करने की ना सोचे, क्योंकि इनकी इंटेंशन क्या होती है नहीं पता। हो सकता है ये अपने आप में बहुत बड़े बदमाश भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं, बट फिर भी मैं आपको बता रहा। लेकिन लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है ना, तो यू आर नथिंग, नजरों में जीरो हो आप लोग। अगर एक लड़की की इज्जत नहीं कर सकते तो लोग होते हैं जो आगे जाके क्या से क्या रूप ले लेते हैं। ये थोड़ी देर पहले बदतमीजियां करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा शांत बैठे हैं। हो सकता है बाद में कुछ होगा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ आप लोगों को कदम नहीं लगता अगर आप अपनी माताओं और बहनों के साथ में आ रहे हो तो। चलो
थैंक यू रोशन भाई, अच्छा लगा आपसे मिलके जी। तो गाइस आप देख सकते हैं ये होटल है पूरा, और इधर की तरफ से तो गाइज आप देख सकते हो हमारे पीछे ये होटल ऑकलैंड है, जहाँ पर आप गलती से भी आने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो यहाँ का मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है, जिसको लेडीज़ की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है। तो आप लोगों को आप इसे अच्छे से देख लो, ये होटल ऑकलैंड एंड रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड, इसके मैनेजर का नाम रोशन है। आप इसको कुछ भी कहना चाहते हो या जिससे अच्छे से वाट लगाना चाहते हो, समझाना चाहते हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके होटल का नंबर भी आपको दे दूंगा। तो आप लोग गलती से बस यहाँ विजिट मत करना, उसकी जितनी चाहे आपको क्लास लगानी हो, उसे अच्छे से समझाना हो कि लड़कियों की कैसे की जाती है, कैसे कर सकते हैं, तो उसको अच्छे से आके आप इस होटल पे आके बता सकते हो। रोशन नाम का मैनेजर है, आप जो करना चाहो उसके साथ कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो बस यहाँ पे विजिट मत करना, बिल्कुल भी महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं की जाती है। तो गाइस हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और हम लोग जा रहे थे तत्तापानी, अजीब ही नाम है तत्तापानी, और तत्तापानी जा रहे हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि हम लोग निकले, हम निकल चुके हैं और यश का ड्रीम है पैराग्लाइडिंग करना, तो हम लोग निकल चुके हैं। अब देखते हैं क्या होता है, टाइम हो चुका है, लड़ाई झगड़ों में टाइम की हो चुकी है, ऐसी तैसी टाइम हो रहा है 1:31। आप कुछ बोलना चाहोगे? मैं कुछ नहीं, मैं बस ड्राइविंग पे फोकस करना चाहता हूँ अपनी। ये ड्राइविंग पे फोकस करना चाहते हैं, बाकी व्यू दिखा दीजिए सबको, व्यू देखते चलिए। सो हम रास्ते में नहीं, क्या बोलते हैं, सो हम रास्ते के बीच में है। So guys, हम अब से 2 घंटे बाद में यहाँ पे राफ्टिंग के लिए पहुँच जाएंगे, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अभी बीच में टनल पड़ी थी, ये वो टनल है जब यहाँ पे स्नो वगैरह होती है तो वो ब्लॉक हो जाती है उससे, तो मतलब आजकल बहुत मज़ा आ रहा है। वेदर इतना अच्छा है कि अभी कोई स्नो नहीं है, बट यार मुझे लगता है कि अगर आपको ड्राइविंग का मज़ा लेना है और पूरे हिमाचल को घूमना है तो अक्टूबर में आना बेस्ट टाइम है, और अगर आपको स्नो देखनी है तो फिर जनवरी में आए, दिसंबर में आए, तो आपको स्नो देखने को मिल जाएगी। हाँ जी, और अगर आपको हमें देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देख लेना, हमारी वीडियो शेयर कर देना, है ना। तो अच्छा लग रहा है वो काफ़ी राइड पे, मेरे सिर दर्द हो रहा है, मैंने कुछ खाया नहीं है ना, भूख लग रही है। छोले कुलचे खाते हैं, कितनी देर से छोले कुलचे, 4 छोले कुलचे वाले भैया निकल गए पीछे, अभी तक छोले कुलचे निकला इस आदमी ने मुझे, उस टाइम पे क्योंकि मैं कहीं और दिमाग है और यहाँ तुम्हें पता मैं ऐसे नहीं रोक सकता। अच्छा ओके, खुफरी खुफरी सब इधर से। हाँ जी हमें पता है खुफरी यहाँ से जाते हैं, ठीक है अब चलो काम करो। नहीं हो रहा मैं शिमला में घूम रहा हूँ, तो गाइस मुझे ना यकीन नहीं हो रहा है कि मैं शिमला में घूम रहा हूँ। इट्स शिमला से शिमला, एक्चुअली गाइस मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा है कि आई एम इन शिमला। ठीक है चलो, ये क्या आ रहा है सामने, ये क्या है? ये सब बर्फ की वजह से ढक जाते हैं, बर्फ की वजह से पैक हो जाते हैं सब। हाँ तुमने देखे हैं, लगता है पिछले जन्म में तुम यही रहते थे, है ना? नहीं नहीं कश्मीर से। आप कश्मीर से हो? अरे कश्मीर में देखा है भाई जब मैं। अच्छा कश्मीर में हो जब तुम पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे तुम वहाँ पे? मैं वहाँ पे कुछ नहीं, मैंने वहाँ से डाइट कंप्लीट किया हुआ है अपना। कैसा डाइट? जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा, वोमिटिंग जैसा फील हो रहा है यार, टीचर वीचर नहीं बन जाते हैं तो मेरे को उल्टी आ रही है। पापा टीचर क्या कर रहे हो, उल्टी आ रही है मेरे को, कुछ खाया नहीं है मुझे, टक्कर आ रहे हैं। देखो मैं सामने सो जाऊं, सामने क्या ना देखूं, दिखता है सामने सब कुछ, मुझे कुछ खिलाओ। अरे क्या वादियां है यार, इन हंसी वादियों में भी मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, मैं क्या करूं, भगवान मुझे बचाओ। ओए तेंदुआ, ओ सॉरी ये तो रेड सेवन है, मुझे लगा तेंदुआ आ गया। सो गाइज आप देख सकते हो हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं उसके बीच में पड़ता है ये व्यू, जगह का नाम जो व्यू है ये बहुत ही फाड़ व्यू लग रहा है, आप देख रहे हो पूरा, मतलब इसकी खूबसूरती
खूबसूरती हम बता नहीं सकते कि यार कितना खूबसूरत है। और यहाँ पे बैठी है जिगर के साथ में, रेड जवन देख रहे हो पीछे, खाई खाई है। अगर ये गए सपोर्ट भी नहीं है भाई, सपोर्ट भी नहीं है, और ये सीधा हरिद्वार जा सकते हैं पीछे। गंदा ही बोलना, जब गंदा क्या, इतनी गहराई में बैठी है और पीछे खाई कुछ इतनी सी है, मतलब देख रहे हो ये इतना है, मतलब अगर ऐसे हुए तो सीधा नीचे ही होगा भाई, तो रिस्की है। यार ये तो प्यारा क्यों लग रहा है, देखना बादल, ऐसे लग रहा है हम बादल के ऊपर पास ही है बिल्कुल, और बिल्कुल बादल एकदम ऐसे लग रहा है कि ये रहे है ना। और ये देखना बादल पास में, और ये पूरा व्यू, वाओ यार ब्यूटीफुल। मैं तो अपने आईफोन से भी वीडियो बनाऊंगा, मैं अपना आईफोन लेके आने वाला हूँ, जल्दी ले लो। तो मैं अपना आईफोन लेके आ गया हूँ क्योंकि इसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी आएगी। सुनो मेरी वो बनाना, मेरी वीडियो बना दो, बस करो अपनी यार, हीरो हो कहीं के, बना दो मेरी ये पकड़ो। तो भाई आपका नाम सेवक, तो भाई का नाम सेवक है। तो ये भाई यहाँ बहुत अच्छी मैगी बनाते हैं यार, मुझे जगह का नाम नहीं पता भाई, कौन सी जगह है ये? बल्दिया। बल्दिया है, यहाँ पे हमने मैगी खाई और मुझे सच में बहुत अच्छी मैगी लगी, सूप भी पिया, सूप भी बहुत टेस्टी था। मैंने भाई के हाथों की चाय ना दो बार पी है, और हम लोग यहाँ से मैंने भैया के हाथ का सूप दो बार पिया, मनचाओ सूप। तो भाई के हाथ में ना जादू है, मतलब यार मजा आ गया खाना पीना। मैगी में अदरक थी, उसका जो टेस्ट था ना इतना शानदार था ना, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं, काफी अच्छा। शॉप है हमारे भाई की, तो जो भी हमारी इस पे ये रोड जो है ये नीचे शिमला से तत्ता पानी जाती है, तो यहाँ पर आए और भाई के हाथ के ना चाय वगैरह कुछ भी आप आग बंद करके टेस्ट कर सकते हो, हर चीज बहुत प्यारी है और बहुत टेस्टी है यार, मुझे तो बहुत मजा आया। सेवक भाई अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके साथ खा पी के भी। तो ये भाई की शॉप है, यहाँ पे विजिट कर सकते हो। वन एंड हाफ आवर हमने यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, हम दो घंटे से यहीं पर है, झूठ बोल रहे हैं, तो मजा आया। तो सेवक भाई अच्छा लगा आपको भी? बढ़िया। चलो सेवक भाई ध्यान रखो अपना, हम चलते हैं आगे की और वापसी में आएंगे, निकलते हुए चाय पियेंगे। थैंक यू।